नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान हुए चूजी। जब से फिल्म किसी का भाई किसी की जान निकल गई बॉक्स ऑफिस पर, अपने सल्लू मियां बहुत टेंशन में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नई फिल्म कौन सी शुरू करें और कब शुरू करें। फिलहाल सलमान की प्लानिंग है कि नवंबर में दिवाली पर टाइगर 3 का बॉक्स ऑफिस हाल देखने के बाद ही कोई नई फिल्म साइन करें। वैसे चर्चा ये है कि फरवरी 2024 में शुरू होगी टाइगर वर्सेस पठान, जिसे डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद। ये खाली खबरें हैं, ऑफिशियल कोई भी घोषणा नहीं है। वैसे सलमान की दो फिल्में और शुरू हो सकती है। एक सूरज बड़जात्या की प्रेम की शादी, जो शायद अक्टूबर 2024 में शुरू होगी, लेकिन सलमान ने अभी तक इसका स्क्रीन प्ले ओके नहीं किया है। और तीसरी फिल्म है करण जौहर की, जिसे डायरेक्ट करेंगे विष्णु वर्धन। साजिद नाडियाडवाला की किक 2 का कोई अता पता नहीं है। दबंग 4 डेफिनेटली दफन हो जाएगी पेपरों पर। मियां सलमान, आपके लिए यही बेटर है कि आप बिग बॉस OTT पे करें, कलर पे बिग बॉस करें, उसी में आप टाइम पास करते रहिए, जब तक कि आपको वही दमदार स्क्रिप्ट या दमदार डायरेक्टर नहीं मिलता, नहीं तो वही बन जाएगी Part 2 किसी का भाई किसी की जान। सायरा बानू ने बिल्डर के खिलाफ मुकदमा वापस लिया। 2010 में दिलीप कुमार साहब ने एग्रीमेंट किया था उनका बंगला जो 16 पाली हिल बांद्रा में है, जिसके अनुसार बिल्डर को वो प्लॉट डेवलप करना था एक बंगले के साथ में। लेकिन 2021 में जब प्लॉट डेवलप नहीं हुआ तो 2021 में सायरा बानू ने FIR कर दी थी बिल्डर के खिलाफ, राजिता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और बिल्डर अल्ताफ और अर्शद, जिसकी FIR दर्ज हुई बांद्रा पुलिस स्टेशन में। लेकिन अब पिछले दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला एमिकेबली सेटल हो गया है और सायरा बानू ने सारे आरोप वापस ले लिए हैं। सायरा बानू को रिप्रेजेंट किया उनकी वकील एकता दलवी ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत हुई और हाईकोर्ट ने मुकदमा कैंसिल कर दिया। कैटरीना की फिल्म सुपर सोल्जर शुरू नहीं हो पा रही। डायरेक्टर अली अब्बास जफर 2020 में शुरू करने वाले थे सुपर सोल्जर, जिसमें मुख्य किरदार था कैटरीना कैफ का, लेकिन पेंडेमिक आ गया और फिल्म शुरू नहीं हो पाई। जब अली अब्बास से पूछा गया इस फिल्म के बारे में तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म शेल्व नहीं हुई है, लेकिन जब भी उन्हें वक्त मिलेगा वो इसे शुरू करेंगे। वैसे कैटरीना की दो फिल्में तैयार हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के लिए। एक है टाइगर 3 जो दिवाली पर आएगी और श्रीयम राघवन की पिक्चर मेरी क्रिसमस, जिसमें उनके अपोजिट है विजय सेतुपति। इसकी रिलीज का कोई अता पता नहीं है और फिलहाल कैटरीना की एक भी फिल्म फ्लोर पर नहीं है। मैडम कैटरीना, अली अब्बास के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो आपको लेकर सुपर सोल्जर शुरू करें। जब अच्छे अच्छे हीरोइनों की फिल्में नहीं चल रही हैं, तो आप जैसी रिटायर हो गई हीरोइन को कौन रिस्क लेके फिल्म बनाना चाहेगा। रामचरण को हुई बेटी। फिल्म RR से सुपरस्टार बन चुके रामचरण की वाइफ उपासना ने गत दिनों बेबी गर्ल को जन्म दिया। चिरंजीवी, जो रामचरण के पिता है, फूले नहीं समा रहे और सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंच के अपने बेटे को बधाई दी। जूनियर NTR ने भी अपने को स्टार को बधाई दी और ट्वीट करके उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दी। आपको पता होगा कि दोनों की शादी 2012 में हुई थी और ये उनका पहला बच्चा है। रामचरण और उपासना को बहुत बहुत बधाई। आयुष्मान खुराना का नया गाना रतन कलियां। वर्ल्ड म्यूजिक डे पर आयुष्मान खुराना ने एक नया गाना कंपोज किया है रतन कलियां, जो 4 जुलाई को रिलीज होगा। आपको पता ही होगा आयुष्मान खुराना अच्छे एक्टर हैं, गाने लिखते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। उनको सिंगिंग का बहुत बड़ा शौक है और कई गाने उन्होंने अपनी फिल्मों में गाए भी हैं। वैसे इस गाने में उनको सहयोग दिया उनके पुराने साथी कंपोजर रोचक कोहली ने। अभी आयुष्मान का इस गाने में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है और कोहली साहब ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, ये तो वक्त ही बताएगा। मिस्टर आयुष्मान, हमें लगता है कि आपसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इस गाने में जरूर रोचक कोहली का रहा होगा। खैर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रतन कलियां सॉन्ग। बॉक्स ऑफिस, आदि पुरुष आधा पुरुष भी नहीं रहा। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर लगातार उसकी कलेक्शन गिरती जा रही है। ट्यूजडे को भी 15-20% और गिरा और 5 दिन का कलेक्शन रहा करीब 330 करोड़। कई संगठन मांग कर रहे हैं कि फिल्म को बैन किया जाए। अरे भैया, जनता ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है। फिल्म थर्सडे तक सब जगह से ऑलमोस्ट उतर जाएगी। आपका विरोध करके क्या फायदा? आपको विरोध करना है तो उसके मेकर्स के खिलाफ कीजिए, डायरेक्टर ओम राउत के खिलाफ कीजिए और डायलॉग राइटर जो सबसे बड़े कल्प्रिट हैं, मनोज मुंशी जो खुद को शुक्ला बोलते हैं, उनके खिलाफ कीजिए। सेंसर बोर्ड के खिलाफ मोर्चा निकालिए कि उन्होंने ऐसी बेहुदा फिल्म पास कैसे की, तो कुछ बात समझ में आती है। और क्या इस फिल्म से जुड़े हीरो प्रभास, सैफ अली खान, कृति सनोन, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या वो नशे में थे जब फिल्म शूट हो रही थी? क्या उनको पता नहीं था कि क्या शूट किया जा रहा है, कैसे कैसे डायलॉग हैं, कैसे कैसे कॉस्ट्यूम्स हैं? लेकिन इन सबको पब्लिक की भावनाओं से क्या लेना देना, इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। ये हमारे स्टार्स हैं ना, पैसे के लिए किधर भी जा सकते हैं, किस हद तक भी गिर सकते हैं। आदि पुरुष इसकी जीती जाती मिसाल है। राइटर मनोज मुंशीर बोल रहे हैं कि उन्होंने 4000 लाइन लिखी थी और सिर्फ 5 लाइनों पे लोगों को ऐतराज है। भैया, 5 लाइन नहीं, पूरी फिल्म पर ऐतराज है। आप लोगों की भावनाओं को नहीं समझ रहे, उनसे खिलवाड़ अभी भी कर रहे हैं। आपने नेपाल से तो माफी मांग ली, भारत की जनता से कौन माफी मांगेगा? आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।